प्रसिद्ध गायिका और लोगों के बीच आशा ताई के नाम से मशहूर आशा भोसले 87 साल की हो गई है। बॉलीवुड की मेलोडी क्वीन आशा भोसले का आज जन्मदिन है। आशा ताई का जन्म सन 1933 को सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जितने उतार चढ़ाव आए, निजी जिंदगी भी उनकी कुछ ऐसी ही रही। उन्होंने सन 1943 से अपना करियर की शुरुआत की थी और तब से अब तक लगातार वे गा रही हैं। आज ताई के जन्मदिन पर हम आपको बताते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हिंदी फिल्मों में उन्होंने गायन की शुरुआत सन 1948 में रिलीज हुई फिल्म चुनरिया से की थी। हंसराज बहल के संगीत निर्देशन में उन्होंने सावन आया गीत गाया था। आशा भोसले पहली ऐसी भारतीय सिंगर हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 1997 में आशा को पहली बार नॉमिनेट किया गया। भारत सरकार ने साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साल 2005 में एक बार फिर आशा ताई को ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला। आशा ताई ने सन 1943 की मराठी फिल्म माझा बल में पहला गीत चला चल नाव बाला गाया था। आशा ताई को पॉप क्रूनर और कैबरे सिंगर का खिताब दिया गया था, लेकिन उन्होंने उमराव जान फिल्म में रेखा पर फिल्माई गई गजलों जैसे इन आँखों की मस्ती के और दिल चीज क्या है को गाकर बता दिया कि वो गजल भी गा सकती हैं। शुरुआत में तो आशा भोसले को रिजेक्टेड गाने दिए जाते थे, क्योंकि उस दौर में गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का नाम बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन फिर भी ताई ने अपनी गायकी से उन गानों को मशहूर कर दिया। ऐसे में सभी फिल्मों में इन्हीं के गाने लिए जाते थे। बी आर चोपड़ा की 1957 में आई फिल्म नया दौर ने आशा ताई को उच्च कोटि की सिंगर का दर्जा दिया। आशा जब सिर्फ 9 साल की थी तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग और एक्टिंग शुरू कर दी। आशा ताई जब सिर्फ 16 साल की थी तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी 31 साल के गणपत राव भोसले से घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी 11 साल बाद टूट गई। फिर 1960 में ससुराल वालों के बुरे बर्ताव से परेशान होकर आशा ताई पति का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायके चली आई। 20 साल अकेले रहने के बाद सन 1980 में उन्होंने अपने से 6 साल छोटे प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन पंचमदास से दूसरी शादी कर ली। उस वक्त आशा 47 साल की थी तो वहीं पंचमदा 41 साल के थे। पंचमदा की भी वो दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी रीता पटेल से हुई थी। शादी के 14 साल बाद पंचमदा का निधन हो गया और आशा एक बार फिर अकेली हो गई। युवाओं की दुनिया से रिश्ता कायम रखने के लिए वे ट्विटर से भी जुड़ी। आशा भोसले न केवल गीत गाने के लिए वक्त निकालती हैं, बल्कि उनके अपने शौकिया कारोबार को भी वो विस्तार दे रही हैं। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। दुबई में भी उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है। गिनीज बुक के हिसाब से आशा भोसले ने सबसे अधिक गाने गाए हैं। भारत सरकार द्वारा आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है।